कंजम्पशन अगर को लेके अगर कुछ ऐलान होते हैं तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आपकी नजर रहेगी? अगेन मुझे लगता है कि कंजम्पशन को बूस्ट देने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो लोग हैं उनके हाथ में ज्यादा पैसा दे दो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इंसेंटिव, या आप हाउसिंग रिलेटेड कोई स्कीम अनाउंस कर दो जिसके चलते आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की वो पूरी हो सके एट अ चीपर कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग एज अ सेक्टर विल बी अंडर फोकस फ्रॉम अ कंजम्पशन परस्पेक्टिव, और इसे राइड करने के का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू होता है। या हम देखते हैं कि घर लेने के लिए डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत जो डेट है उसका सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डेफिनेटली रडार पर रखना चाहिए। तो कंपनीज विच आर इन टू अफोर्डेबल हाउसिंग सच एज होम फर्स्ट, या फॉर दैट मैटर जो कंपनीज जहाँ हाउसिंग फाइनेंस में हम काइंड ऑफ टर्न अराउंड देख रहे हैं, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन हाउसिंग फाइनेंस, ऑल दीज कंपनीज कैन बी ऑन रडार। और इसके अलावा रियल इस्टेट को अगर बूस्ट मिलता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीमेंट एंड स्टील एज अ सेक्टर विल ऑल्सो बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा कंजम्पशन में रूरल बेल्ट पे अगर फोकस रहेगा तो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं जैसे डाबर हो गया, टू सम एक्सटेंट ब्रिटानिया, ऑल दीज कंपनीज कैन ऑल्सो बी अंडर फोकस फॉर अ कंजम्पशन सेक्टर। एंड इन एडिशन टू दैट, फॉर इन केस देर इज अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू रूरल इनकम, देन आई थिंक ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट विल ऑल्सो सी बिग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा एस्कॉर्ट कैन ऑल्सो बी ऑन रडार फ्रॉम अ बजट परस्पेक्टिव।